सकता पहले, सोचता समझता। तो आखिर वो कौन सी फिल्म है जो कि स्त्री 2 के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, और आखिर स्त्री 2 ने अब तक कितनी कमाई की है, कैसे अजय देवगन इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, इसके कलेक्शन का सब कुछ बताऊंगा वीडियो के एंड तक, बनी रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ कि स्त्री 2 का कलेक्शन कितना रहा है। तो ये फिल्म जो है दोस्तों बहुत शानदार कमाई की है, और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में इंडिया से जो है 291 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब तक ये फिल्म 13 दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर चुकी है, जहां इंडिया नेट कलेक्शन जो है वो 414 करोड़ 80 लाख रुपए का है। इसके अलावा इंडिया ग्रॉस कलेक्शन जो है दोस्तों 495 करोड़ और 75 लाख रुपए का रहा है। ओवरसीज से फिल्म ने 97 करोड़ का बिजनेस किया है। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 13 दिनों में 592 करोड़ का हो चुका है, यानी 592 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है फिल्म सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों में। और ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी है और 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। अब बात करते हैं कि आखिर अजय देवगन कैसे इस फिल्म का कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, और वो कौन सी फिल्म है। तो वो फिल्म है दोस्तों सिंघम अगेन, यानी दोस्तों सिंघम 3, जो कि दिवाली 2024 पर रिलीज़ होने वाली है। और ये फिल्म की हाइप जो है वो नेक्स्ट लेवल है, और ये फिल्म हो सकती है जो कि स्त्री 2 के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। स्त्री 2 ने अब तक लगभग दोस्तों आपको बता दें कि 14 डेज में बताया जा रहा है कि ये फिल्म कम से कम 610 करोड़ तक का बिजनेस कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, 610 करोड़ तक का ये फिल्म बिजनेस कर लेगी वर्ल्ड वाइड लेवल पर 14 डेज में। और उस हिसाब से दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन की सिंघम अगेन वो फिल्म हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं स्त्री 2 के कलेक्शन को बीट कर सकती है। और बताया जा रहा है कि स्त्री 2 फिल्म ने जिस तरह से अपने पहले दिन शुरुआत की थी लगभग 64 करोड़ की, तो उम्मीद की जा रही है कि जो सिंघम अगेन फिल्म है वो कहीं ना कहीं 70 करोड़ की ओपनिंग ले, और ये जो फिल्म है वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो। जिस तरह से स्त्री 2 हुई है उसी तरह से सिंघम अगेन भी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर हो, और चांसेस तो बहुत सारे हैं कि सिंघम अगेन जो फिल्म है वो इजीली 500 करोड़ का बिजनेस कर लेगी और वर्ल्ड वाइड लेवल पर कम से कम 600 से 700 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है। अगर अच्छी गई फिल्म तो 1000 करोड़ भी पार कर सकती है, क्योंकि एक मल्टी स्टार फिल्म है और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा भूल भुलैया 3 है, बेबी जॉन करके एक फिल्म है, वो भी अच्छी कमाई कर सकती है, और सबसे ज़्यादा चांसेस सिंघम अगेन के हैं। इसके अलावा पुष्पा 2 भी है और बेबी जॉन है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह की जो फिल्में आ रही हैं, सबसे पहले सिंघम अगेन है, भूल भुलैया 3 है, पुष्पा 2 है और बेबी जॉन, ये कुछ फिल्में हैं जो कि स्त्री 2 के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, इन सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म वो फिल्म बनेगी जो कि स्त्री 2 के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ेगी और साल 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।